जी आप बात करेंगे आपसे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश चावला है, मैं आदर्श नगर पंजाबी कॉलोनी वार्ड 21 से सभासद का प्रत्याशी हूँ निर्दलीय। आज नॉमिनेशन किया आपने? हाँ जी, आज मैंने नॉमिनेशन करा और मेरे भाइयों ने, मेरे परिवार ने, मेरे सबने मेरा प्रॉपर साथ दिया और बहुत अच्छे तरीके से हमने रैली निकाली और नॉमिनेशन को करा उसको। कितनी आपकी हाइट है इस वक्त? मेरी 3'8" या 9" समथिंग है। तो कन्विंसिंग में आपको लगता है कि हाइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी? ये तो मेरा प्लस पॉइंट है, अगर प्रॉब्लम होती तो आप यहाँ तक कैसे आते? अभी तो आया हो ना, अगर प्रॉब्लम कोई अपने घर पे प्रॉब्लम ढूंढता है, प्रॉब्लम होती है कहीं जाता है, नहीं जाता है ना, प्लस पॉइंट होता है, आप भी आए हो ना, वैसे ये प्लस पॉइंट है। तो कैसा लग रहा है इस वक्त, लोगों का से मिल रहे हैं, लोगों ने अपील की थी इलाके के लोगों ने? हाँ जी जरूर अपील की थी, मेरे मिलने वालों ने, सबने मुझसे तो पिछले 5 सालों से अपील की जा रही है, पर इस बार मैंने उनकी सुनी और इस बार मैंने नामांकन करा। क्या प्रायोरिटीज हैं इस बार चुनाव की, आप किन प्रायोरिटीज पे चुनाव लड़ रहे हैं? स्वच्छता है सबसे बड़ी प्रायोरिटी, स्वच्छता सब। दूसरी प्रायोरिटी है जो हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो राशन कार्ड आधार कार्ड की वजह से सरकारी योजना राशन से वंचित रह जाते हैं, उनके राशन कार्ड आधार कार्ड बनवाने हैं और सरकारी योजना का लाभ देना है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ पाते और फीसें नहीं भर पाते सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी, उनके लिए सरकारी स्कूल, हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल अवेलेबल है, फिर भी वो एडमिशन नहीं ले पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, उनकी भविष्य को सिक्योर करना है। तो क्या लगता है कि जो सरकार की योजना है बेनिफिशियरी तो ही बीजेपी की? ऐसे मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगा जब तक मैं उसकी जड़ तक नहीं जाऊँगा, मैं समझूंगा। ऐसा नहीं होता कोई योजना निकालता है तो उसके प्लस पॉइंट होते हैं, माइनस भी होते हैं, पर हमें प्लस पॉइंट पे देखना है ना, माइनस पॉइंट पे देखना है। आपको लगता है कि आपके इसमें जीतने में जो आप चुनाव लड़ेंगे तो आपकी हाइट प्लस पॉइंट है? हाँ जरूर है, जब ऊपर वाले ने बनाया तो सोच समझ के बनाया है ना, बिना सोचे समझे कैसे बना देगा, वो देता है तो ले, अगर एक चीज लेता है देता 10 चीजें, इंसान को सब्र नहीं। तो लगता है कि जीत निश्चित है बिल्कुल? अब ये तो मेरा वक्त बताएगा, मेहनत मुझे करनी है और मेरा ऊपर वाला बताएगा और मेरा वक्त बताएगा। मैं कहूँ कि मैं जीतू, रावण की भी मैं नहीं रही तो मेरी कैसे रह सकती? आज नॉमिनेशन कर दिया आपने? हाँ जी, आज तो लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ लोगों में बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, तभी तो मैं नॉमिनेशन करा, अगर मुझे प्यार ही नहीं मिलता तो मैं आगे कैसे बढ़ता? आज वो लोग टेंशन में है जो मुझे कुछ नहीं समझते थे, पर मैं उनसे भी कहूँगा कि आप प्यार से रहें और विश्वास से रहें। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी भांजी हैं, मेरी बहनें हैं 3, वो शादीशुदा। तो मोटिवेशन सबका है? हाँ, सपोर्ट सबका है, फुल सपोर्ट है सबका, तभी तो, जब तक हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ कैसे खड़ा होगा?